हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रही है वो है इकोलॉजी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका एनवायरनमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, द वेरियस पॉपुलेशन ऑफ लिविंग इन अ डेफिनाइट जियोग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। तो वेरियस पॉपुलेशन ऑफ लिविंग इन डेफिनाइट जियोग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिकेशन। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी सिस्टम, द वर्ड फर्स्ट कंटेन बाय द साइंटिस्ट नेम बाय द तंसले के नेम के हिसाब से यही इकोसिस्टम और इकोलॉजी जो है वो फर्स्ट ये कंटेन किया है। एवरी इकोसिस्टम इज अ मेड अप ऑफ ए टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज अ बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज अ एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो लिविंग पार्ट है और एबायोटिक कंपोनेंट वो नॉन लिविंग पार्ट है। बायोटिक कंपोनेंट इज अ डिवाइडेड इनटू अ थ्री पार्ट। बायोटिक कंपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं, थ्री पार्ट से डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट जो है ये प्रोड्यूसर है, सेकेंड जो है ये कंज्यूमर है, थर्ड जो है ये डिकम्पोजर है। तो प्रोड्यूसर क्या है, दोज कंपोनेंट दैट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट। जो कंपोनेंट क्या करता है, उनका खाना खुद बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि खाना को वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम लोग ये एग्जांपल जो देता है वो ग्रीन प्लांट है। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है, दोज कंपोनेंट दैट कंज्यूम ऑफ द फूड मेड बाय द प्लांट कंज्यूम आर द थ्री टाइप। देखो कंज्यूमर के अंदर के ये थ्री टाइप का है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड इज टेरिटरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दिस कैटेगरी दोज आर ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड दैट लिव्स ऑन ग्रीन प्लांट और सम पार्ट ऑफ दिस ऑफ देम। क्या करते हैं, ये जो कंज्यूमर है यहाँ पे वो ग्रीन प्लांट को खाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन प्लांट खाने के खाता है, तो इसीलिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, इन दिस कैटेगोरी दिस ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। तो इसके हिसाब से देखो एग्जांपल साइड में दिया हुआ है, फॉक्स वूल पिकक। ये क्या करते हैं, फॉक्स वूल पिकक जो है वो छोटा छोटा जो ग्रीन वाला प्लांट होता है ना उसको खाता है, इसीलिए वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर क्या है, इन दिस कैटेगरी द ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड दैट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर। ये टेरिटरी कंज्यूमर के अंदर होता है, ये क्या करते हैं ना, वो प्राइमरी नहीं वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। तो ये हम इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। इसके हिसाब से एग्जांपल दिया हुआ है, देखो लायन, टाइगर, चीता, ये क्या करता है, फॉक्स को खाता है, उल्फ को खाता है। तो ये मेरा हो गया टेरिटरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर क्या है, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। दिस डिकम्पोजर डिपेंड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द चेंज देन इन फिजिकल एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, फंगी बैक्टीरिया जो है वो ये क्या करता है, खाना को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब है ये जो खराब कर देते हैं। तो ये है मेरा डिकम्पोजर। और एबायोटिक के पार्ट में है कंपोनेंट जो है, देखो ये थ्री टाइप्स का होता है, ये कार्बोनिक सब्सटेंस होता है, नॉन कार्बोनिक सब्सटेंस होता है और केमिकल फैक्टर होता है। तो एग्जांपल के हिसाब से मैं देती हूँ, देखो वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल, ये सब क्या है, क्लाइमेट फैक्टर है। और जो कार्बन रहता है उसको मैं बोलती हूँ
उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक सब्सटेंस, और जहाँ पे कार्बन नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन कार्बनिक सब्सटेंस। यही था आज का, आज मेरा इकोसिस्टम का पार्ट, इकोलॉजी का पार्ट, ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट।